नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, उसका स्वरूप और सिद्धांत। प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण में देखेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को। प्रयोजनवाद तत्व मीमांसा के अंतर्गत संसार को यह बदलने वाला माना, संसार में लगातार प्रक्रिया तथा परिवर्तन होते रहता है, संसार अपूर्ण और अनियत है। बहुतत्ववादी जो है तत्व सम्मिलित है, जिनका अपना अस्तित्व है। मानव क्रियाओं पर जोर दिया गया, अनुभव का ही संसार है, यह किसी अंतिम सत्य को नहीं खोजता, प्रत्यक्ष ही सत्य होता है। ज्ञान मीमांसा, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा दो बातों पर डिपेंड किया, अनुभववाद तथा तर्कवाद, इस दोनों का बीच का है। ज्ञान अनुभव में निहित होता है, ज्ञान कोई साध्य नहीं होता, वरन जीवन को जो है यह सुखी बनाने के लिए होता है। ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं ही हो जाती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों ही ज्ञान का आधार है। सत्य पूर्व निश्चित तथा शाश्वत नहीं मानते ये, बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि के कारण ही इसकी दिशा का जो है निर्धारण किया जाता है। मूल्य मीमांसा, प्रयोजनवादी मानते हैं कि कार्य ज्ञान के आधार पर किया जाए, आंखें मूंदकर किसी सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। समाज ही है जो मानव का विकास करता है और उसे चयन प्रदान करता है। प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में जो है विश्वास नहीं करता। प्रयोजनवाद का स्वरूप को देखेंगे, यह चार भागों में बटा है। मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद और नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद सबसे अधिक लोकप्रिय पक्ष रहा। इसके अनुसार मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली बात सत्य है। प्रयोगवादी प्रयोजनवाद में जो है इसका आधार विज्ञान की प्रयोगशाला को रखा गया। इसमें जो है जिस बात का प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है वही सत्य है, या जो बात ठीक कार्य करती है वही सत्य है। जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद अपने उद्देश्य के अनुकूल बनाने के लिए वातावरण पर जो है अधिकार करता है। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत है अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है, और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर सके। अर्थात जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य है। मानव प्रयासों को अधिक महत्व दिया गया। किसी भी सिद्धांत की जो है सच्ची कसौटी उसकी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद प्रकृतिवादी सिद्धांत और आदर्शवादी निष्कर्षों का योग है। यह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके अनुसार इसीलिए वह सामाजिक कुशलता का गुण जो है प्राप्त करना चाहता है। प्रयोजनवादी बहुवाद का समर्थन करता, फलवादी परिवर्तन पर वह जोर देता है। सत्य का आधार दर्शन या तर्क नहीं बल्कि जीवनगत अनुभव होता है। मानव जो है अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक होता है प्रयोजनवादी के अनुसार। प्रयोजनवादी ज्ञान और विचार की जो है क्रिया का अनुगामी मानते हैं। जेम्स ने माना कि सत्य की कसौटी उसकी उपयोगिता है, न कि आकाशीय आशीर्वाद। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है और प्रथाओं और परंपराओं का ये विरोध करता है, उसमें जो है लचीलापन पर विश्वास करता है वो, न परंपरा अधिक कठोर हो और न ही अधिक लचीला हो। तो ये था प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, स्वरूप और सिद्धांत। धन्यवाद।